राजधानी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। जश्न का माहौल यहाँ पर है और अब से ठीक दो घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले आपको पीछे की तस्वीरें दिखाते हैं। प्रचंड जीत गुजरात में जिस तरह की मिली है उसके मद्देनजर आप यहाँ पर देखेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं स्टेज तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर एक बड़ी सी होर्डिंग मंगाई गई है जिसको लगाया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त लगे हुए हैं स्टेज की साज सज्जा करने में। अब से ठीक दो घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी होगी। आगे की कतारों में आप देखेंगे बीजेपी के तमाम लोगों ने पहले से ही अपनी कुर्सियां ले ली है क्योंकि बिल्कुल सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच होगा और वो मंच से यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे, गुजरात की जनता का धन्यवाद देंगे, हिमाचल प्रदेश और आपको बताते चले दिल्ली एमसीडी की भी जनता को हार्दिक धन्यवाद यहाँ पर लिखा गया था। जरा पीछे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं हिमांशु, जरा आ गया ये। यहाँ पर आप देखेंगे ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। जिस तरह से 158 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, अभी तक जो रुझानों में सामने आए हैं माना यही जा रहा है कि आखिरी तक आंकड़े यही रहने वाले हैं। पीछे आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पर ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं और देखिए यहाँ पर ढोल नगाड़ों से पूरा माहौल में कहीं कोई कमी न रह जाए। ढोल नगाड़ों से एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। न सिर्फ राजधानी दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारी ये कवरेज आप देखेंगे, इसके अलावा लेकर चलेंगे आपको गांधीनगर भी। कमलम जो गुजरात का भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है वहां पर सुबह से ही जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं और यकीनन जिस तरह की बहुत बड़ी जीत आपको बताते चले, इसके पहले 1985 में बार बार जिक्र आता है जब माधव सिंह सोलंकी ने 1985 में 149 सीटें हासिल की थी, लेकिन उन तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी 158 सीटों के साथ आगे की ओर लगातार बढ़ रही है और जीत का जश्न मनाने की पूरी तैयारी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दफ्तर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर आएंगे उनकी ओर से किस तरह से संबोधित किया जाएगा देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन यकीनन ये जो मोदी लहर है गुजरात में जिस तरह की प्रचंड जीत, वो भी तब जब 27 सालों का शासन बीजेपी का वहां से चला रहा था तब भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कांग्रेस पार्टी को 16 सीटों पर समेट दिया है। 4 से 6 सीटों के बीच आम आदमी पार्टी लटकती हुई नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली बार प्रचंड तरीके से इतिहास रचती हुई गुजरात के विधानसभा चुनाव में और उसी के जश्न की ये पूरी तैयारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दफ्तर में। बड़े बड़े होर्डिंग्स कटआउट लगाए गए हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं आपको बताते चले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ आपको नजर आ रहे हैं और यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। दो घंटे का और इंतजार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मौजूदगी होगी और यकीनन प्रधानमंत्री को पूरा श्रेय, उनको धन्यवाद करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, तो दूसरी तरफ पीएम की ओर से जब संबोधन किया जाएगा तो सीधे गुजरात की जनता को हिमाचल प्रदेश में हालांकि हार का सामना करना पड़ा है बीजेपी को, लेकिन उसके बावजूद गुजरात की जो प्रचंड जीत है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जरा इन लोगों से एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, किस चीज की तैयारी है? आज गुजरात में जो प्रचंड बहुमत मिला है, आज हमारे यशस्वी महानगर संजीव शर्मा जी के साथ में गाजियाबाद में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए, हजारों की संख्या में आ रहे हैं, हजारों के आज हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही खुश हैं। भारत माता की जय के यहाँ पर नारे लगते हुए आप देख पा रहे हैं अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, लेकिन गुजरात की ये जीत 2024 के चुनावों के ठीक पहले क्या बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उसी तरह से कमल खिलाएगी 2024 में? क्योंकि गुजरात की ये जीत बहुत मायने रखती है, वो भी तब जब 27 सालों से बीजेपी का शासन हो और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जिसने पिछली बार 77 सीटों पर जीत हासिल की थी वो 16 सीटों पर सिमटती हुई नजर आए। आखिर ऐसा क्या हुआ, मोदी का जादू इतना ज्यादा एक बार फिर से गुजरात में कैसे चल गया? वो कौन कौन से मुद्दे रहे जो इस बार चुनाव में छाए रहे और क्या नरेंद्र मोदी को रावण कहना कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ गया? आज पूरा दिन किस तरह की हलचल रही, कैसे नतीजे सामने आए हैं, जो रुझान है वो आगे के लिए क्या बड़े संकेत दे रहे हैं, हमारी ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकर चलेंगे आपको गुजरात भी दिखाएंगे गांधीनगर की तस्वीरें, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत, 2002 का 127 सीट का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा,
गुजरात में बीजेपी की लगातार सातवीं जीत। बंगाल में लेफ्ट के 32 साल के शासन की बराबरी। ये वो आंकड़े हैं जो गुजरात में बीजेपी की शानदार जानदार छप्पर फाड़ जीत की कहानी बयां करते हैं। इसके साथ ही गुजरात में चप्पा चप्पा भाजपा का नारा भी सच हो गया। गुजरात की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे ज्यादा सीट भी बीजेपी को मिलेगी और अब तक का हाईएस्ट वोट शेयर भी बीजेपी को मिलेगा। गुजरात के लोगों को भी कांग्रेचुलेट करता हूँ, गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के यूनिट को भी कांग्रेचुलेट करता हूँ, हमारे कार्यकर्ता को भी कांग्रेचुलेट करता हूँ। दिस इज वन ऑफ द एवर बिगेस्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री हिंदी इलेक्शन में। ये पहला गुजरात का चुनाव है जो सहज परिस्थिति में हुआ है, तो मुझे लगता है गुजरात में विकास के कार्य, जन कल्याणकारी योजनाएं और गुजरात की अस्मिता और उनके ऊपर श्री नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व की अपार लोकप्रियता के कारण यह ऐतिहासिक जनादेश आ रहा है। गुजरात में बीजेपी को इससे पहले इतनी बड़ी जीत कभी नहीं मिली। गुजरात में 1995 के बाद बीजेपी के आंकड़े पर नजर डालें तो ये जीत वाकई छप्पर फाड़ नजर आएगी। 1995 में बीजेपी को 121 सीटें मिली, 1998 में 117, 2002 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 127 सीटों के साथ रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी, मगर 2007 और 2012 में आंकड़ा फिर से घटा। 2007 में 117 और 2012 में बीजेपी को 115 सीटें मिली। पाटीदार आंदोलन के असर से 2017 में बीजेपी 99 सीटों पर आ गई, मगर इस बार 150 के आंकड़े को पार कर बीजेपी ने गुजरात में 1985 के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया जब कांग्रेस को 149 सीटें मिली थी। इस ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए जहां 31 रैलियां और 3 रोड शो किए, वहीं अमित शाह ने 38 रैलियां की। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने भी 27 रैलियां कर बीजेपी के प्रचार को दमदार बनाया। एक तरफ बीजेपी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह राज्य को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर प्रचार में पूरी ताकत झोंकी, वहीं कांग्रेस की तरफ से आए बयानों ने गुजराती गौरव और गुजराती अस्मिता के बीजेपी के मुद्दों को और मजबूत किया। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने जहां प्रधानमंत्री मोदी को चुनावों में औकात दिखाने जैसी बातें की, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी तुलना रावण से कर दी। हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा सौ मुख है क्या है? ये भी कांग्रेस पार्टी मने गाड़ो बोलवा माटे रामायण माते रावण ने ले आई, बोलो। गुजरात ने बीजेपी के पक्ष में प्रचंड जनादेश देकर साबित कर दिया कि पीएम मोदी पर निजी हमला कितना भारी पड़ता है। आज तक ब्यूरो।